वेलकम टू हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, यह एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई होप आप लोगों ने देख भी ली होगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। आप लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहे हैं कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट में कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और स्किल टेस्ट कब तक आएगा। तो ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कर रखी है, इस वेबसाइट को आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल है पर्सनल असिस्टेंट का, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग अगर अभी चेक करते हैं कि अभी लेटेस्ट कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं, तो पहले इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, वो नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद इनका जो नोटिफिकेशन आया था फीस के रिगार्डिंग था, एंड देन जो इनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था 323 वैकेंसी के लिए, ये ए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग था। इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा यहीं पर ऐड हो जाएगा, वही लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा। तो अभी ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है। और अगर एक एक्सपेक्टेड आइडिया दिया जाए आप लोगों को कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो रिज़ल्ट आप लोग मान करके चलिए अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट आ ही जाएगा। जुलाई एंड होने वाला है, लगभग 18 तारीख हो चुकी है, तो जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग रिज़ल्ट का वेट मत करिए, जिसके भी मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद स्किल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैक्सिमम एक महीना मिलेगा। तो एक महीना वो और एक महीना रिज़ल्ट से पहले का, अभी 2-2.5 महीने हैं। जिनकी स्पीड 70-80 आ रही है, जिनकी स्पीड अभी 70-80 या 90 तक आ रही है, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो 120 तक पहुंच जाएंगे। 120 प्लस आप लोगों को स्पीड घर पर ही मेंटेन करनी है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में 120 की स्पीड ला पाएंगे। तो और स्किल टेस्ट भी कब तक हो सकता है, तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एक महीने बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जैसे ही होगा तब उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग होगी। बस आप लोग अपनी जो टाइपिंग है, स्टेनोग्राफी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने बता दिया आप लोगों को ऑलरेडी स्किल टेस्ट क्या होता है, स्टेनोग्राफी क्या होती है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है स्टडी चैनल पर, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। उसमें समझाया है क्या स्टेनोग्राफी होती है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और आज मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि आपका पेपर सोल्व करवा दूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पेपर को सोल्व करवा दीजिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आज आप लोगों के 120 क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।